हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है पादप अनुक्रमण। समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। पादप समुदाय पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है यानी अनुक्रमण है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, ये एक प्रोसेस है जिसमें इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, नए इकोसिस्टम डेवलप होते हैं। और दो मेन तरह के अनुक्रमण वहाँ पर पाए जाते हैं, पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण जो कम्युनिटी की एक सीरीज़ वहाँ पर चेंज होती रहती हैं, और एंटायरली न्यू हैबिटेट जो पहले वहाँ पर नहीं थी वहाँ पर कॉलोनाइज हो जाती है। ये सब किस वजह से होता है कि वह समुदाय जो उसमें समय में पाए जाने वाले वातावरण के साथ में स्वयं को अनुकूलित कर लेता है या संतुलन स्थापित कर लेता है, तो वहाँ की एक वेजिटेशन वहाँ पर बन जाता है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर बन जाता है। तो एक समुदाय जो वहाँ पर स्थापित हो जाता है वो प्राइमरी सक्सेशन की एक सीरीज के थ्रू होता है, कम्युनिटी पूरी चेंज हो जाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, यानी समय के साथ में जैसे जैसे वहाँ पर वातावरण में परिवर्तन आता है तो जो पुराने समुदाय हैं वो संतुलन नहीं बनाए रखते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और उसी के साथ में जो दूसरे समुदाय होते हैं वो परिवर्तित होते हुए वातावरण के साथ में खुद को इन प्रेडिक्टेबल चेंजेस के साथ में या डिस्टर्बेंस के साथ में संतुलित कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनकी कॉलोनाइजेशन हो जाता है, नई हैबिटेट वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना लेती है और एक चरम समुदाय के रूप में स्थापित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण। कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशंस इनके बारे में दी हैं, लेकिन एक ये चीज़ निश्चित है कि जो ये पादप समुदाय में अनेक पीढ़ियों से जो क्यूमुलेटिव और डायरेक्शनल प्रक्रम होते हैं उन्हें हम पादप अनुक्रमण कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन वे होते हैं जब एनवायरनमेंट में परिवर्तन के साथ एक नया ऑर्गेनिज्म या लाइफ वहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है। प्राइमरी सक्सेशन जो बैरन एरियाज में शुरू होता है, यानी जहाँ पर पहले से किसी भी प्रकार का कोई सजीव नहीं पाया जाता है, और सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वहाँ पर एक मेजर डिस्टर्बेंस यानी चाहे आग लगे या बाढ़ आए जिससे पुराने जीव वहाँ के नष्ट हो जाते हैं और नए जीव वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। अगर हमें प्लांट सक्सेशन को समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जो प्लांट कम्युनिटीज़ मिल रही हैं उन पर किसका मेन इन्फ्लुएंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर लैंडस्केप फंक्शंस जो होते हैं यानी वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल और सॉइल फॉर्मेशन, जल चक्र, मिनरल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट्स जो वहाँ अवेलेबल हैं, और वहाँ जो किस प्रकार की मृदा मिल रही है इसी पर, यानी कि इन रिसोर्सेज पर जो नई सोसाइटी वहाँ डेवलप होती है या प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है। अगर हम देखें कि किस किस प्रकार के प्लांट सक्सेशन हमें मिलते हैं तो वो इस प्रकार हैं। पहला है प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण, तीसरा है ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी अनुक्रमण, हिटरोट्रॉफिक या परपोषी अनुक्रमण, ऑटोजेनिक या स्वजात अनुक्रमण, एलोजेनिक या अन्यंत्रजनिक अनुक्रमण, हैबिटेट यानी आवास अनुक्रमण, रिट्रोग्रेसिव यानी प्रतिक्रमण अनुक्रमण, ह्यूमन इंड्यूस्ड सक्सेशन यानी मानव प्रेरित अनुक्रमण, और साइक्लिक सक्सेशन यानी चक्रीय अनुक्रमण। अब हम सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है।
एक स्टराइल जगह जहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वेजिटेशन हमें नहीं मिलती है, यानी पूरी तरह से जहाँ पर एक इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, अकार्बनिक वातावरण पाया जाता है, तो वो न्यूट एरिया यानी नग्न एरिया या क्षेत्र अगर वहाँ पर ऑर्गेनिज्म से पहली बार कॉलोनाइज्ड होता है, यानी कॉलोनीज बनती हैं और धीरे धीरे वहाँ पर नए समुदाय विकसित होते हैं और ये परिवर्तन जो होते हैं वो सक्सेसिव फॉर्म में होते हैं, इस तरह का जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्राथमिक अनुक्रमण। दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण, जब कम्युनिटी डेवलप होती है किसी एक क्षेत्र पर पहले से ही, लेकिन किसी भी इंटरप्शन के कारण या किसी एडवर्स कंडीशन के कारण, जैसे कोई नेचुरल कैलमेटाइज मतलब प्राकृतिक आपदाएं वहाँ पर आ जाती हैं या बायोटिक इंटरवेंशन वहाँ पर हो जाता है, तब जो उसके बाद में जो नए जीव वहाँ पर कॉलोनाइज होते हैं या नई कॉलोनीज बनाते हैं वो कहलाता है सेकेंडरी सक्सेशन। ये नेचुरल कैलमिटीज़ हो सकती हैं, फॉरेस्ट फायर, डिजीज़, फ्लड, ग्रेजिंग एट्सेट्रा। ये जो दोनों मुख्य अनुक्रमण हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण, उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो एक ओपनिंग होती है किसी भी हैबिटेट में, जैसे कहीं पर लावा फ्लो हुआ हो या एरिया जो है वो जहाँ पर रिट्रीटेड ग्लेशियर्स मिलते हों या अबंडेंट माइनिंग हुई हो। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है डिस्टर्बेंसेस का, सुनामी, फ्लड, फायर के बाद का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन? अगर हम देखें तो प्राइमरी सक्सेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर कम्युनिटी अराइज होती है लाइफलेस एरियाज में जहाँ पर जीवन नहीं रहा हो, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो एक डिस्टर्बेंस के बाद में होता है। प्राइमरी सक्सेशन यानी जहाँ पर किसी भी तरह का कोई इकोसिस्टम पहले से नहीं था, तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि ये एक नग्न स्थान पर या किसी भी इनऑर्गेनिक स्थान पर ये होता है, एनवायरनमेंट में ये होता है। एक ग्लेशियर भी वहाँ हो सकता है जिस पर रिट्रीट्स होती हैं लीव्स, जहाँ पर कोई सॉइल नहीं मिलती है। तो प्राइमरी सक्सेशन के दौरान जो पायनियर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं जो सॉइल के बिना ग्रो कर सकते हैं, सच एज लाइकेंस। लाइकेंस वहाँ के पायनियर प्लांट्स हैं। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्विकर यानी जल्दी होता है प्राइमरी सक्सेशन से, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सीड बैंक होता है, सूटेबल प्लांट्स जो उसकी सॉइल में वहाँ ग्रोथ है ऑलरेडी, उनका एक सीड बैंक वहाँ पर मिलता है, ऑलरेडी वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है ऐसी जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, और जो रूट सिस्टम है वहाँ का जो सॉइल के नीचे मिलता है या दूसरे प्लांट पार्ट्स जो वहाँ पर पहले से पौधे लगे हुए थे उनके वहाँ पर मिलते हैं, वो सब जल्दी से रीजनरेट होने लगते हैं। इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन एक फास्ट प्रोसेस है। अगर हम देखें प्राइमरी सक्सेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है ग्लेशियर और ग्लेशियर बेस अलास्का, जहाँ पर 200 साल में प्राइमरी सक्सेशन हुआ था। ये ज़्यादा लंबा समय लेता है क्योंकि सॉइल नीड्स टू बी क्रिएटेड, क्योंकि वहाँ पर सॉइल का बनना जारी होता है, चालू होता है, और सॉइल जो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट हो तो अगर वहाँ पर सक्सेशन हो रहा है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। वहाँ पर 5 स्टेप होते हैं प्राइमरी सक्सेशन के, जब वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुँचती है। लाइकेंस वहाँ पर डेवलप होते हैं और इरोजन जो बार बार वहाँ पर होता है, ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का, जिससे नई सॉइल वहाँ पर बनती रहती है। अब जैसा भी आपको बताया प्राइमरी सक्सेशन जहाँ बेयर रॉक्स हैं, डेजर्ट हैं, पॉन्ड्स हैं वहाँ पर शुरू होता है, जबकि एरिया जो ऑलरेडी कवर्ड था प्लांट से और डिफोरेस्टेशन के बाद में या किसी नेचुरल कैलमिटीज़ प्राकृतिक आपदा के बाद में खाली हुआ है,
तो वहाँ पर अगर कोई नई कम्युनिटी बनती है तो वह सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, जो आपको मैं सब समझा चुकी हूँ। प्राइमरी सक्सेशन बैरन एरियाज में होता है, बायोलॉजिकल या दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है, वहाँ पर सॉइल नहीं होती है। पायनियर स्पीशीज जो होती हैं वो आउटसाइड से आती हैं वहाँ पर वातावरण में, और इसको टाइम लगता है कंप्लीट होने में। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन एक डिस्टर्ब एरिया में स्टार्ट होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण स्टार्ट होता है, और जहाँ पर सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वहाँ शुरू होता है। पायनियर स्पीशीज़ जो होती हैं वो वहीं पर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट से ही डेवलप होती हैं और ये कंपैरेटिवली कम समय में विकसित होता है। तीसरा प्रकार है सक्सेशन का, ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी अनुक्रमण, जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है ऑटोट्रॉफ्स की या स्वपोषी जीवों यानी प्लांट्स की, वो डोमिनेंट होती है और दूसरे जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनके ऊपर वो डोमिनेंट होती है यानी प्रभावी होती है। इस तरह का अनुक्रमण स्वपोषी अनुक्रमण कहलाता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन या परपोषी अनुक्रमण। परपोषी अनुक्रमण को हम पहले से जो प्रभावी जीव वहाँ पर उपस्थित हैं उससे पहचान सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे एनिमल्स जो वहाँ पर ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो हिटरोट्रॉफ्स को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का प्रभावी होना हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन कहलाता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन या स्वजात अनुक्रमण, लगातार कम्युनिटी और एनवायरनमेंट यानी समुदाय और वातावरण के बीच में जो अंतर क्रियाएँ हो रही हैं तो वहाँ पर एक चेंज यानी मॉडिफिकेशन धीरे धीरे होने लगता है, और ये जो परिवर्तन वहाँ पर होता है वो एनवायरनमेंट चेंज होने से, तो जहाँ ओल्ड कम्युनिटी जो पहले से विकसित थी वो रिप्लेस होने लगती है नई कम्युनिटी से, और ये कहलाता है ऑटोजेनिक या स्वजात अनुक्रमण। नेक्स्ट है एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक यानी अन्यंत्रजनिक अनुक्रमण, कुछ परिस्थितियों में वहाँ पर उपस्थित जाति समुदाय का परिवर्तन उपस्थित जीवों की बजाय दूसरी बाह्य दशाओं के कारण होता है। ये जो बाह्य यानी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करती हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एलोजेनिक सक्सेशन या अन्यत्रजनिक अनुक्रमण कहते हैं। पोषण और ऊर्जा में हुए परिवर्तन के कारण भी इस प्रकार के एलोजेनिक अनुक्रमण वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं हैबिटेट सक्सेशन, आवास अनुक्रमण। ये सक्सेशन जल की कमी या जल की अधिकता की वजह से होता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर फेजिक रिप्लेसमेंट्स होते हैं और हर फेज़ में जो नई वेजिटेशन मिलती है उसे हम सीयर्स बोलते हैं। तो ये 7 टाइप के सीयर्स हैं जो कि हैबिटेट सक्सेशन के दौरान होते हैं। हाइड्रोसीयर्स, जहाँ पर सक्सेशन एक्वेटिक कंडीशंस या एक्वेटिक हैबिटेट्स में होता है। जीरो जीयर्स, जहाँ पर सक्सेशन कम्प्लीटली ड्राई हैबिटेट यानी सूखे की स्थिति में होता है। लिथो जीयर्स, जहाँ पर सक्सेशन चट्टानों की सरफेस पर शुरू होता है। जेमोजियर्स, जो सक्सेशन जो होता है वो सैंडी रीजन यानी जहाँ बालू मिट्टी मिलती है, रेगिस्तान मिलते हैं, वहाँ पर शुरू होता है। हेलोजियर्स, सक्सेशन सलाइन सॉइल पर यानी लवणीय जल पर या लवणीय मृदा पर शुरू होता है, तो हेलोजियर्स। और सेनाइल, जहाँ पर सक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। और लास्ट टर्म जो हम लिखते हैं वो है इकोस्फीयर, जहाँ पर यानी वह क्षेत्र जहाँ पर वेजिटेशन डेवलप हो रही है। नेक्स्ट टाइप है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन या प्रतिक्रमण अनुक्रमण। ये एक ऐसा अनुक्रमण है जहाँ पर जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे सिंपल होने लगती है और उसकी स्पीशीज़ में कमी आ जाती है, उसका बायोमास धीरे धीरे समय के साथ में
कम होने लगता है। ये जो सक्सेशन होते हैं वो एलोजेनिक यानी अन्यत्र जनिक सक्सेशन के प्रकार के ही होते हैं। जैसे अगर कहीं हम जानवरों को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दें तो वहाँ पर जो लैंड है वो जो वहाँ पर वेजिटेशन मिल रही है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है साइक्लिक सक्सेशन, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम ऑन अ साइक्लिक बेसिस इज कॉल्ड साइक्लिक सक्सेशन। यानी एक चक्रीय अनुक्रमण है जिसमें एक निश्चित चक्र निश्चित समय में पूरा होता है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए डॉर्मेंट रहते हैं और उसके बाद में जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो एक साथ वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसके स्ट्रक्चर में या जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर वेरिएशन कुछ समय के लिए आ जाता है। यानी एक निश्चित समय पर ये पौधे पनपते हैं और ये अपना साइकिल कंप्लीट करके फिर से डॉर्मेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें जोड़ सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस सक्सेशन। हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कोई परिवर्तन सबसे ज़्यादा कर सकता है तो वो हम लोग हैं यानी ह्यूमंस। हम लोग इकोसिस्टम को सीवियर चेंजेस की तरफ अग्रसर करते हैं। ये जो इंटेंशनल चेंजेस जो हम लोग कर रहे हैं वो एक मोशन ऑफ चेंज वहाँ पर होती है जो कि दूसरे अन्य चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मान लीजिए हमने जंगलों को ज़्यादा काट दिया है तो वहाँ पर सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन इंड्यूस सक्सेशन। तो ये जो चेंजेस होते हैं कभी तो इंटेंशनली होते हैं और कई बार वो अनइंटेंडेड होते हैं, और इस तरह के चेंजेस अनवांटेड भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हम एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन इंड्यूस्ड अनुक्रमण को इन तीन प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला हो सकता है ओवर ग्रेजिंग एंड पास्चर डिग्रेडेशन, यानी पशुओं को जब हम चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं तो ज़मीन की जो वेजिटेशन है उसको वो ख़त्म करने लगती है। देन ओवर फिशिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमर्शियली वैल्यूबल फिशेस बाय ट्रैश फिश, यानी फिशिंग मछलियों को ज़्यादा पकड़ना जिससे कि फोना चेंज हो जाता है किसी भी मैरीन इकोसिस्टम का। फॉरेस्ट फायर्स जो हम कई बार नेचुरली होती हैं और कई बार ह्यूमन इंड्यूस्ड होती हैं, तो इस प्रकार की जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं उनसे भी वहाँ की कम्युनिटी चेंज हो जाती है और नए प्लांट समुदाय वहाँ पर बनने लगते हैं। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है माइक्रो सक्सेशन, ऐसा सक्सेशन या अनुक्रमण जो कि सूक्ष्म जीवों जिनमें हम कवक को ले सकते हैं, जीवाणुओं को ले सकते हैं, जो कि एक माइक्रो हैबिटेट यानी सूक्ष्म आवास में पनपते हैं, उनमें जो परिवर्तन समय के साथ होता है वो कहलाता है माइक्रो सक्सेशन या सेरूल। माइक्रोबियल सक्सेशन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैबिटेट्स की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान जब नए प्लांट्स बनते हैं, नई रॉक सरफेसेस वहाँ पर एक्सपोज होती हैं, तो वहाँ पर जो भी तरह की वेजिटेशन हमें मिल रही है उन पर नए सूक्ष्म जीव चाहे वो फंजाई हो चाहे वो जीवाणु हो पनपने लगते हैं, और ये जो चेंज वहाँ पर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी वहाँ बनाता है वो कहलाता है माइक्रो सक्सेशन। थैंक यू।